हेलो गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और प्लान बना है हिमाचल में माता श्री नैना देवी जी की यात्रा का। चलो आपको यात्रा करवाते हैं माता जी की। फाइनली गोइंग टू माता श्री नैना देवी जी के दरबार में। पहुंच गए हैं माता नैना देवी जी के दरबार के पास में। लगभग बस 2-3 किलोमीटर की दूरी रह गई है नीचे से ऊपर पहाड़ी की ओर। उम्मीद है माता जी कृपा करें तो छेती से छेती पहुंचेंगे दरबार में और आपको दिखाएंगे नज़ारा। तो ये है मार्केट माता जी के दरबार के पास में, जो मार्केट है। किसी भी तरह का कोई खाने के सामान जो प्रसाद के लिए यूज़ किया जाता है सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। खिलौने वगैरह हो गए। सो फाइनली माता जी के दरबार के पास में पहुँच गए हैं। बस कुछ पाइपों की दूरी है बाकी। ये देखो झलक दिखा देता हूँ। जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। इस माता जी के दरबार के पास में जितने भी मंदिर हैं सभी के दर्शन करो। ये बजरंगबली भगवान जी के दर्शन करो। जो आप ये पेड़ देख पा रहे हो ये बहुत पुराना दरख्त है। जड़ी मेरी YouTube फैमिली होगी तो दर्शन करेगी माता के दरबार दे। माता नैना देवी जी के दरबार का रात का दृश्य। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। माता जी ने कहा हमारी सुन ली है और हमें डायरेक्ट शॉर्टकट मिल गया। माता जी ने सुन ली, डायरेक्ट शॉर्टकट मिल गया। ये माता जी का दरबार, ज्यादा कुछ तो नहीं देखने पाएगा शायद। गाइस दर्शन करो माता जी के दरबार की। अंदर से तो मुश्किल है दिखा पाऊँ लेकिन बाहर से आप दर्शन करो। देखो कितना शानदार भवन माता जी के दरबार का। तो गाइस
अभी चलते हैं माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए। ये जो गेट आप देख पा रहे हो ये वो गेट है जहाँ पर आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो जोना मोड़ जी ने जहाँ से नीचे पहाड़ी की ओर छलांग लगाई थी तो ये उन्हीं की याद में ये गेट बना हुआ था। खैर खाई तो अभी नहीं दिख पाएगी क्योंकि बादल सब जगह पे बादल ही बादल हो रहा है। माता जी के दर्शन हो गए हैं अब वापसी की तैयारी है। पूरी तरह से थक चुके हैं, खाना खा लिया, कढ़ी चावल का लंगर चल रहा था। अभी धीरे धीरे उतरेंगे, थके हुए हैं। ये टिम्बर ट्रेन के लिए है सिस्टम प्रोजेक्ट जो हवा में उड़कर टिम्बर ट्रेन के जरिए पहाड़ी के ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपन हवा वाला की धर्मशाला में। अभी नाश्ता वगैरह करके अब निकलेंगे श्री आनंदपुर साहिब जी की ओर गाड़ी पकड़ के, फिर वहां दिखाते हैं आपको नया। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के सरोवर स्नान वगैरह करने के लिए आनंदपुर साहिब जी का गुरुद्वारा साहब। अंदर का देख सकते हैं, अंदर गुरु जी के शस्त्र अस्त्र सब पड़े हैं। वैसे सभी लोग लगभग फोटोग्राफी वगैरह कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत परमिशन बाहर होगी बस, पर अंदर नहीं है, अंदर नहीं हम वीडियो कर रहे कर सकते या फोटोज ले सकते। ये श्री आनंदपुर साहिब जी का गुरुद्वारा। ये श्री आनंदपुर साहिब जी का गुरुद्वारा, इसकी बैक साइड
वैसे अंदर तो अलाउड नहीं है कैमरा फोटोग्राफी वगैरह, लेकिन बाहर से थोड़ा बहुत व्यू आप देख सकते हो। बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत शांति है। आप भी जरूर यहाँ पर देखने के लिए आओ, दर्शन करने के लिए आओ। अभी गुरुद्वारा साहब ने रूम में थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए, क्योंकि अभी दरबार साहब में मत्था टेक लिया, अभी थोड़ा सा मार्केट विज़िट करनी है, थोड़ा सा सामान लेना है, थोड़ा प्रसाद लेना है। तो यहाँ आनंदपुर साहब में काफ़ी सारे रूम हैं, काफ़ी सारी सुविधा है रहने के लिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप आना चाहो तो बेझिझक होकर आओ रहने के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ पर लंगर चलता रहता है। कुछ ख़रीदना हो, दर्शन करने हो, हर तरह का सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप भी आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, जो साथ में पार्टनर है ये अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद रहा है। काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारा सामान है, प्रसाद वगैरह तो हमने ले लिया। काफ़ी बड़ी दुकान है, तो अभी पहुंच गए हैं आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और अभी काफ़ी टाइम पड़ा ट्रेन का आने का, तब तक यहीं पर प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे ट्रेन का, फिर जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों ट्रेन तो पकड़ ली थी, काफ़ी टाइम हो गया, रश थोड़ा ज़्यादा था इसलिए शूट नहीं कर पाया ट्रेन में बैठते वक्त, लेकिन अभी करीब काफ़ी सारा रास्ता निकल गया है, तो बस थोड़ा सा सफर रह गया। उसके बाद राजपुरा पहुँच गया, फिर वहाँ राजपुरा से बस पकड़ लेंगे पटियाला के लिए, उसके बाद फिर अपने घर मिलते हैं। तो अभी पार्टनर को बोल दिया बाय बाय, अब राजपुरा से वो अपनी ट्रेन पकड़ लेगा, उसके लिए ट्रेन सही रहेगा, ट्रेन का रूट, और सीधा वो अपने शहर चला जाएगा बाय ट्रेन। और मैं निकल आया अभी राजपुरा से, बस पकड़ेंगे। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं पटियाला के बस स्टैंड में, चलो चलो इधर चलो, ये देखो पटियाला का बस स्टैंड नया बना है राजपुरा से। तो राजपुरा से पार्टनर का तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन राजपुरा से ही एक और फ्रेंड मिल गया था, पुनीत, ये देखो लड़का जा रहा है जो, तो पुनीत मिल गया, साथ में एक और लोकल शहर का एक और दोस्त मिल गया था। अभी इकट्ठे जा रहे हैं वापस, यहाँ से समाना की बस पकड़ेंगे। ये देखो पूरा व्यू, बस स्टैंड पटियाला का व्यू। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने शहर समाना में, और लाइक करना, इससे मोटिवेशन मिलेगी ताकि इस तरह की वीडियोस आगे और भी आपके पास मिले। कमेंट करके ये बताना कि आपने कभी पहले नैना देवी की यात्रा की है या नहीं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और शेयर करना,
ताकि बाकी सब भी ये सब चीज़ें देख पाएँ, जान पाएँ। और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ। और इस वीडियो को अगर आपने फेसबुक पेज पर देखा है तो पेज को फॉलो कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।